इसको सत्संग बोलते हैं हमारे हिंदू भाई। जब कहीं वो कोई सभा करते हैं, कोई गीता या कोई और दूसरी किताब पढ़ते हैं और कथा होती है, तो वो सत्संग उसको नाम देते। क्यों? क्योंकि अच्छी बातों की वहां पर प्रेरणा दी जाती है लोगों के सामने, और बहुत सारी हिंदू औरतें भी मर्द भी सब मिलकर बैठते। तो इस मंत्र में वही कहा गया के हेतु ब्रह्म गति शांति सत्संग तिरदान विचार तोषा। सत्संग करो यानी जलसा, सत्संग करो जलसा करो, जलसे में क्या करो विचार तोषा, विचार करो किनके बारे में, ब्रह्मा की, ब्रह्मा के जो अच्छी बातें हैं वो बात लोगों के सामने बयान करो, वो बात लोगों के सामने पेश करो कि ब्रह्मा क्या चाहता है, ब्रह्मा किस लिए आया, ब्रह्मा किस लिए है, ब्रह्मा ने किस लिए संसार को बनाया, ब्रह्मा का मनुष्य विषय क्या है इस धरती पर, मनुष्य का मकसद क्या है इस धरती पर, इस चीज को जानो समझो। और जब तुम विचार तोषा, जितना तुम विचार तोषा, जितना तुम ईश्वर का मनन करोगे, उनके नाम का तस्किरा करोगे, उनके विशेषताएं विशेषताएं जितनी भी अच्छी बातें उनका वर्णन करोगे, तो आप ईश्वर के करीब होते चले जाओगे, ईश्वर के प्रिय मित्र बनते चले जाओगे। किसी को मारने से नहीं, किसी की मस्जिद पर बैन लगाने से नहीं, किसी के घर को बुलडोजर से बुलडोज करने से नहीं, किसी के धर्म को, किसी के धार्मिक पर्सन को बुरा भला कहने से आप बिल्कुल भी अपने ईश्वर के करीब नहीं हो सकते। इसीलिए आगे कहा गया यशाम न विद्यावन तपोर्ण धर्म, जिसको ज्ञान नहीं होता, जिसके अंदर कृपाशील नहीं है, जिसके अंदर रहमो कर्म का मादा नहीं है, उनके लिए कहा गया कि मनुष्य रूपे मनुष्य रूपे इंसानों के रूप में भूमि भार भूता इस जमीन के ऊपर वो एक बोझ है इंसान की शक्ल में, मरने के बाद उनकी तादाद जानवरों के तरह होगी। हमारा कुरान इस मैसेज को ऐसे समझाता है, अगर तुम अल्लाह के करीब होना चाहते हो, अगर तुम अल्लाह तबारक व तआला के महबूब बनना चाहते हो, तो तुम अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह का नाम लो, अल्लाह की सिफात को बयान करो, अल्लाह के हुक्म को मानो। वज़क्किर फइन ज़िक्रा तन्फ़उल मुमिनीन। इधर है के हेतु ब्रह्म गति शांति सत्संगति दान विचार तोषा, और इधर है वज़क्किर फइन ज़िक्रा तन्फ़उल मुमिनीन। अल्लाह के नबी का फरमान, अल्लाह के नबी ने अपनी तरफ से अल्लाह के नबी के ज़बानी कुरान के अंदर कहा गया कुल हाज़िही सबीली अदऊ इलल्लाह, तुम कहो कि ये मेरा रास्ता है, मैं अल्लाह तबारक व तआला के तरफ बुलाता हूं। और जब कोई अल्लाह का जिक्र करता है, कुरान को पढ़ता है, अल्लाह से बातें करता है, गोया वो अल्लाह से बातें करता है, अल्लाह के करीब होते हुए चला जाता। मेरे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों, किसी को तकलीफ देने से, किसी को मारने से, किसी की दाढ़ी काटने से, किसी की टोपी उछालने से, या किसी अजान के वक्त में आप पीछे लगाकर आप गायत्री आप हनुमान चालीसा पढ़ने से ईश्वर के करीब नहीं हो सकता। जैसे कोई मुसलमान, अगर कोई हिंदू भाई अपने पूजा में, अगर आप पूजा के वक्त में ब्रह्मा सूत्र पढ़ता है, गायत्री मंत्र पढ़ता है, या अपने आस्था के हिसाब से कोई मूल मंत्र पढ़ता है, कोई मुसलमान अगर उसको खलल डाल कर ये कहेगा कि मैं अल्लाह के करीब हो जाऊंगा, ना तो इस्लाम के अंदर उसकी परमिशन, ना तो किसी मुसलमान को उसकी इजाजत है। सेम इसी तरीके पर आपके किसी ग्रंथ में किसी मनुष्य को तकलीफ देकर आप ईश्वर के करीब बनना होना चाहते हैं, तो आप कभी भी नहीं हो सकते। ये अब्दुल्ला सालिम की जुबान है, आपकी किताब प्रश्नोत्तरी और मंत्र है कि हेतु ब्रह्म गति शांति सत्संगति दान विचार तोषा। मेरे भाइयों मेरे साथियों, खामखा का एक इल्जाम लगाया गया इनके ऊपर, अम्मा आयशा के ऊपर। नौजवानों, यहां रुक कर एक बात कहना चाहूं, और हमारे बड़े बड़ी तादाद में गार्जियन लोग हैं, वालिदैन वालिद वालिदैन इस प्रोग्राम में शरीक है। दरअसल ये जो नई जनरेशन है, खुदा के वास्ते इस नई जनरेशन की थोड़ी सी वो कर लीजिए, इस्लाह कर लीजिए, नहीं तो गाजर मूली की तरह आप काटे जाएंगे अगर आप अल्लाह के करीब नहीं हुए तो।
देख लीजिएगा सन 2024 के बाद क्या क्या होता है इस देश में। हमारे भारत का संविधान एक तरफ और कुछ मनहूस और कुछ शरारती देश के दुश्मन की जहन और उनके उनकी जो सोच है, स्कीम है, साजिश, वो एक तरफ, आपके खिलाफ कुरान और शरीयत के खिलाफ यकसा सिविल कोर्ट आने वाला। हम और आप सोच नहीं सकते कि कितनी खतरनाक साजिश है। यकसा सिविल कोर्ट का मतलब पता, जिस देश में रहते हैं इस देश में एक जैसा कानून, एक जैसा है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, सबके लिए एक कानून, संविधान ये कहता। लेकिन धार्मिक कानून भी अभी एक बनने वाला है, धार्मिक कानून। यकसा सिविल कोर्ट का मतलब धर्म के एतबार से भी सबका एक कानून होगा। लोग पूजा करेंगे कि नमाज पढ़ेंगे, लोग निकाह के मौके पर खुतबा पढ़ा जाएगा, चौम स्वाहाओं में मंगलम स्वाहा, गुरुकुर स्वाहा पढ़ा जाएगा, के ओंकार सतनाम कर्ता विरुद्ध ये मूल मंत्र पढ़ा जाएगा कि देयर इज नॉन गॉड बट वन गॉड, रिंग पहनाकर औरत से शादी की जाएगी क्रिश्चियन के मुताबिक, कौन से कैटेगरी पर अमल होगा। ये कानून एक बनने वाला यकसा सिविल कोर्ट। अगर आप शरीयत के करीब नहीं होगे, अपने बच्चों की तरबियत नहीं करोगे, हमारे समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं, आने वाली जनरेशन यकीनन शरीयत से बिल्कुल ना बलद, शरीयत से इनको कोई वास्ता नहीं। तलाक का मैटर आएगा तो शरीयत का क्या फरमान, एकदम कुछ नहीं, अलग डाल देते मामला, उनको जो करना है वो करते। विरासत का मामला हो, अपने बहनों को हक हुकूक नहीं देते। आपकी पूरी पर्सनल लाइफ 24 घंटे के अंदर अल्लाह के तरफ से कौन कौन से कमान है आपके ऊपर आप नहीं जानते। बस एक ऐश की जिंदगी चल रही है, पूरी जवानी बर्बाद कर रहे नेताजी के चौपड़ोसी में, बदतमीजियां करते हैं, शराब पीते हैं, कोई सरोकार नहीं आपकी। जवानी कहां जा रही, अल्लाह ने जवानी किस लिए दिया आपको, हट्टा कट्टा जिस्म किस लिए बनाया। मेरे नौजवानों, इंकलाब पैदा हो सकता है पूरी दुनिया के अंदर, क्यों? क्योंकि इस्लाम से बेहतर कोई शरीयत नहीं है। यह चैलेंज है अब्दुल्ला सालिम का, तालिबे इल्म का, इसलिए मैं चैलेंज करता हूं। दुनिया वाले कहते हैं कि जिना गलत है, लेकिन जिना से कैसे बचा जाए किसी के पास समाधान नहीं है। दुनिया वाले कहते हैं कि चोरी पाप है, लेकिन चोरी से कैसे बचा जाए दुनिया वाले के पास कोई समाधान नहीं है। दुनिया जानती है कि इंटरेस्ट लेना गलत है, लेकिन सूद से कैसे बचा जाए किसी के पास कोई समाधान नहीं है। अगर इन तमाम चीजों का समाधान अगर कहीं पर है तो कुरान करीम के अंदर है। जिना से कैसे बचा जाए, बेटियों को कहो पर्दा करे, समाज के नौजवानों को कहो कि वो भी पर्दा करें। जब पर्दा करेंगे तो जिना के बार बार नहीं होंगे। तो जिना से बचने का एक समाधान कुरान बताता है। ये समाधान पूछिए आप बाइबल से, ये समाधान पूछिए आप ऋग्वेद से, ये समाधान पूछिए आप दुनिया के बड़े बड़े विद्वानों से। कोई नहीं कहेगा कि हमारे पास ये समाधान, आपके पास समाधान। दुनिया वालों से पूछो कि दुनिया वाले, मैं आई वॉन्ट टू गो टू फ्रेश रूम, आई वॉन्ट टू गो टू टॉयलेट बिकॉज आई नीड फ्रेश रूम, मुझे बैतुल खला जाना है। व्हाट इज द मेथड, तरीका क्या है बैतुल खला जाने का, बाथरूम जाने का? कोई माई का राज नहीं बता सकता, लेकिन नबी की जिंदगी उठाकर देखो, बैतुल खला जाने का, बैठने का, इस्तिंजा करने का, क्लीननेस करने का, वहां से बाहर आने तक का भी एक एक स्टेप का तरीका, एक एक मेथड आपको आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी के अंदर मिल सकता। इसलिए कहता हूं कि इस्लाम से बेहतर कोई निजाम दुनिया के अंदर नहीं, अगर है तो इस्लाम के अंदर, शरीयत के अंदर। हमारे माँ बाप बहुत ज्यादा केयरलेस हो गए, बच्चों को धार्मिक बनाइए, बच्चों को धार्मिक बनाइए, हमारे बच्चों को ज्ञान दीजिए। मैं कहना चाहूंगा हमारे सनातन धर्म भाई भी अगर यहाँ बैठे, और हमारे जो मुस्लिम हैं वे तो जानते ही हैं कि बच्चों की तरबियत के लिए धार्मिक होना बहुत जरूरी है। मेरी तकरीर रिकॉर्ड हो रही, हर 15 दिन 20 दिन में एक छोटा छोटा क्लिप चला दिया जाता है इंडियन टीवी में, और प्रोग्राम दूसरे स्टेट में मना कर दिया जाता है।
मेरी तकरीर रिकॉर्ड हो रही। क्या कहेंगे कि देखो मौलाना धार्मिक बनने के लिए बी धार्मिक, धार्मिक बन जाओ एंड टू बी अ धार्मिक इट इज अ गुड थिंग, धार्मिक बनना अच्छी चीज है, हम तो कहते। लेकिन हमारे कुछ मीडिया वाले, कुछ नफरती लोग ये कहते हैं कि धार्मिक बनना जरूरी नहीं, टू बी इंडियन, इंडियन बनो। ये बात भी ठीक है, अजीब तरह का सवाल, पहले इंडियन बनो कि पहले धार्मिक बनो। हम तो ये कहते हैं साफ लफ्जों में, नेशन का मामला अलग, धर्म का मामला अलग। हम धार्मिक इसलिए बनने के लिए कहते हैं क्योंकि जो इंसान धार्मिक बनेगा अपने धर्म की रोशनी में अपने बच्चे की परवरिश करेगा। इस धरती का एक महान गुरु आर्या समाज का, हमारे नहीं आर्या समाज, पंडित दयानंद सरस्वती जी, मौलाना कासिम नानुत्वी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत दौड़ाया है। इन्होंने इस्लाम के खिलाफ एक किताब लिखी, उस किताब का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। उस किताब के आगे लाइन पे जाएंगे आप, आगे पेज में दूसरे तीसरे पहले समोल्लास का जो श्लोक लाए हो वो बहुत खूबसूरत लाए। मैंने उस किताब को पढ़ा है, मेरे मुताले में है, हम पढ़ते हैं, आप भी पढ़ सकते हैं, संस्कृत में भी है, हिंदी में भी अवेलेबल है। पुरानी जितनी भी किताबें आपको मिल जाए धर्म से ताल्लुक से, उसके अंदर आपको मवाद ज्यादा मिल सकता है, परफेक्ट मिल सकता है। नई नई जितनी भी पुस्तक है उनमें से बहुत सारी चीजें छांट देते हैं। तो धार्मिक के ताल्लुक से वालिदैन का धार्मिक होना कितना जरूरी है वो लिखते हैं। प्रशस्ता धार्मिकी विदिति मास्मगमः मातृमान पितृमान चार्यवान पुरुषो भेदः। अगर कोई इंसान बड़ा बनेगा, बड़ा बनना चाहता है तो चाहिए उसके माँ बाप को कि वो धार्मिक बने। मातृमान पितृमान, माँ और पिता, मातृमान पितृमान चार्यवान पुरुषो वैदा, चार्यवान उसके उस्ताद। हम यहाँ तक बैठे यहाँ बोल पा रहे हैं ये हमारे उस्ताद की मेहनत का नतीजा और हमारे अम्मी अब्बा की सही तरबियत का नतीजा कि बचपन में हम लोग छोटे छोटे होते थे उस वक्त अम्मी पिटाई करती थी, पढ़ने जाओ जिस दिन सबक नहीं सुनाते थे नूरानी कायदा कायदा बगदादी का तो खाना नहीं देती थी, डर कर सबक सुना कर खाना खा के तब सोते। अभी तक याद है कि पढ़ाई के मामले में बहुत अम्मी के हाथ से मार मिली तंबी के तौर पर, इसीलिए कहा गया प्रशस्ता धार्मिकी विदिति यस्सा मास्मगमः। बच्चा नेक बनता, बच्चा दीनदार बनता है उनके वालिदैन के दीनदार या धार्मिक होने की वजह से। हदीस इसकी तशरीह करती कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फितरतिल इस्लाम काना अबवाहु युहब्बिदानिही और युनस्सिरानिही और युमज्जिसानिही। आप पढ़ लीजिए इस हदीस की तशरीह पढ़िए और इस समुल्लास का पंडित दयानंद सरस्वती जी का यह तर्जमा पढ़िए, कितनी अच्छी बात कही गई। उन्होंने कहा कि माँ बाप का धार्मिक होना जरूरी, माँ बाप धार्मिक होगा तो धर्म की रोशनी में अपने बच्चे की परवरिश करेगा। मेरे हिंदू भाइयों, मैं नहीं कहता हूं कि आप अपने बच्चे को हम मुसलमानों की हदीस पढ़ाइए, कुरान पढ़ाइए, हम नहीं कहते कि शरीयत पढ़ाइए, हम तो ये कहते हैं आप किसी को पढ़ाइए मातृमान पितृमान चार्यवान पुरुषो वैदा प्रशस्ता धार्मिकी विदिति यस्सा मास्मगमः। और ये कहा गया सत्य पूताम वदेत वाचम मनुष्य पूताम दिवि विदेत वातम सत्य पूताम दृष्टि पूताम। अपने बच्चों को बात करने से पहले उनको बताइए कि सोचो, सच बोलो, झूठ मत बोलो। पंडित दयानंद सरस्वती जी अब से सैकड़ों साल पहले, काफी साल पहले इस धरती के ऊपर आए, उन्होंने इस बात के ऊपर फोकस की कि बच्चे के माँ बाप का धार्मिक होना जरूरी। हम अगर ज्यादा फोकस करते हैं समाज के मुस्लिम माओ बहनों के ऊपर कि अपने बच्चों की तरबियत लीजिए और धार्मिक बनिए तो किसी के पेट में
दर्द नहीं होना चाहिए। बच्चा धार्मिक बनेगा तो बच्चा इस देश का एक सच्चा नागरिक भी बनेगा, बच्चा एक जिम्मेदार शख्स बनेगा। तो माँ बाप उसके धार्मिक होंगे तो बच्चे को पढ़ाएगा, माँ बाप धार्मिक होंगे तो बच्चा गुंडा नहीं बनेगा, माँ बाप धार्मिक होंगे बच्चा शराब पिएगा तो माँ बाप उसके ऊपर तंबी करेंगे, वो बच्चा कभी भी शराब पीकर समाज की किसी बेटी की इज्जत नहीं लूटेगा, समाज की किसी भी इंसान की हत्या नहीं करेगा। इसलिए कहा गया कि बी रिलीजियस पर्सन इन इंडिया, अपने मुल्क में धार्मिक बनो, अपने मुल्क में धर्म के हिसाब से जिंदगी गुजारो। जहां धर्म की बात आती है तो धार्मिक बनकर जिंदगी गुजारो, लेकिन जब नेशन की बात आती है तो इस नेशन को फिर अपने नेशन को बचाओ। जितना मोहतरम तुम्हारा अकीदा उतना ही मोहतरम तुम्हारा ये मुल्क होना चाहिए। दोनों का विधा उदाहरण देता हूं मैं आपके सामने। 1799 की तारीख उठाइए, श्रीरंगापट्टनम मैसूर पहुंचे, वहां पर एक दो बच्चे छोटे छोटे, उनके अब्बा को कैद में डाल दिया जाता, उन दो छोटे बच्चों को भी कैद में डाल दिया जाता और उनके अब्बा कहते हैं कि बेटे मैं तो जा रहा, मेरी जिंदगी अब समाप्त तो होने वाली, लेकिन एक बात याद रखना, तुम किसी के सामने झुकना मत और तुम्हारे पास जो कुरान है इसको सीने से लगा कर रखना, पाबंदी से नमाज पढ़ना, और अपनी जिंदगी में कभी भी दिक्कत आए तो तुम नबी पाक अलैहि सलातो वस्सलाम की जिंदगी को टटोलना, तुमको तुम्हारी जिंदगी का समाधान, समस्या का समाधान मिल जाए। मेरे भाइयों, ज्यादा नहीं 5 से 10 मिनट की नसीहत बाप की। बाप कैद में है, चले गए, उनको सूली दे दी जाती है या कहीं और कोई और सजा दे दी जाती। ये दोनों बच्चे, इनमें से एक का इंतकाल हो जाता है, ये बच्चा खिड़की काट कर कैद खाने से निकलता बाहर, लेकिन अपने अब्बा की 10 मिनट की तरबियत, 10 मिनट की वो तकरीर उसको इतना बड़ा दीनदार बनाया कि उनकी तहज्जुद की नमाज कभी फौत नहीं होती। वो श्रीरंगापट्टनम मैसूर का सबसे बड़ा बादशाह बना, राजा बना और इतना बड़ा योद्धा बना, धार्मिक एतबार से अल्लाह का महबूब, अल्लाह का करीबी। अब क्या है, धार्मिक एतबार से, मजहबी एतबार से कुरान का आशिक, अल्लाह के नबी का दीवाना, टोपी सर पर, पगड़ी सर पर, और किसी भी गरीब मजलूम को भूखे नहीं देख सकता था, अपने घोड़े पर बैठकर डेली हर दिन इलाके का चक्कर लगाता था, धार्मिक एतबार से मजबूत। लेकिन जब नेशन की बात आई, लेकिन जब इस मुल्क की बात आई, सिर्फ खोखले नारा लगाने वाले वह इस मर्द मुजाहिद की तारीख को, एक हाथ में धर्म है, एक हाथ में मजहब है, एक हाथ में कुरान है, एक हाथ में इस पावन, इस धरती की, मट्टी की अजमत है, और फजर की नमाज पढ़ता, फजर की नमाज से पहले तहज्जुद पढ़ता, फजर की नमाज पढ़ता, फजर की नमाज के बाद एक पारे की तिलावत करता, अपने घोड़े को भुलाता, घोड़े को मंगवाता, घोड़े पर बैठकर मैदान जंग में जाता, दोनों हाथ से तलवार चलती, किसी माने सा बच्चा नहीं जरा आज तक भारत की धरती पर कि जिसने एक वक्त में दोनों हाथों से तलवार चलाई हो, ऐसा योद्धा अगर कोई है तो उस योद्धा का नाम शेरे कर्नाटक शेरे मैसूर टीपू सुल्तान था। 1799 की तारीख उठाकर पढ़ लो, ये वो मुजाहिद था, एक तरफ अपने धर्म का आशिक, एक तरफ अपने कुरान का आशिक, और एक तरफ अपने इस देश का आशिक। देश का आशिक कैसे, तन्हा अंग्रेज दुश्मन नहीं थे, नवाब मोहम्मद हसन दुश्मन था उनका, और फिर मराठा सेना एक तरफ से दुश्मन थे, दो तरफ से दो फौजें, एक तरफ से अंग्रेज फौज, तीन दुश्मन तीन तरफ है, और एक तरफ से समंदर का पानी उनका दुश्मन है। लेकिन जब कोई बंदा धार्मिक बनता है, जब किसी का लिंक अल्लाह से जुड़ता है, तो अल्लाह तबारक व तआला से मदद की उम्मीद करता। उनके कुछ अपने ही दरबारियों ने, मीर सादिक, मीर जाफर जैसी नाहंजार लोगों ने इस देश के हमारे मुजाहिद को किस मजबूर होना पड़ा और उनको शहादत नसीब हुई। लेकिन ये वो मुजाहिद था, बाप की 10 मिनट की
और पीएम ने इतना बड़ा दीनदार बनाया कि कभी भी तहज्जुद की नमाज उनकी फौत नहीं होती थी। फजर की नमाज के बाद एक घंटे का मामूल था कुरान करीम पढ़ने का। बाप की तरबियत, इसलिए कहता हूं माँ बाप को तरबियत करना चाहिए अपने औलाद को, ताकि वो देश के लिए भी मरे और फिर अपने अल्लाह और अपनी शरीयत के लिए भी वो कम से कम वक्त निकाले। ये वो श्रीरंगा पट्टनम, ये मैसूर था, वो मर्द मुजाहिद था कि अंग्रेज की हिम्मत नहीं होती थी उसके सामने जाकर उसकी तलवार का मुकाबला कर सके। मेरे भाइयों, गलत नहीं है, गलत नहीं है धार्मिक बनने, धार्मिक बनिए अच्छी बात है। जब धर्म की बात आएगी तो हम सबसे बड़े दीनदार धार्मिक बनेंगे, जब नेशन की बात आएगी तो सबसे पहले कफन बांधकर हम इस देश की रक्षा के लिए आएंगे और आए हैं। मैं उस तारीख को नहीं दोहराना चाहता, बहुत मरतबा वो तारीख बयान कर चुका हूँ। हमारे हजरत उलमाए किराम यहाँ बैठे हुए हैं, मौजूद उलमाए किराम आप में से भी बहुत से लोग जानते हैं। Therefore, we have to be fast and धार्मिक person, the first of all.